बाबूजी सबसे पहले नाम बता दीजिए। राजेश गौड़, एक्स काउंसलर। सर क्या कुछ मामला था? ये मामला ये है कि हमारे गांव के एक लड़का पोते ही लगता है अपना जीतू, वो घोड़ली चौक पे उसको तीन लड़कों ने 5-6 सुबह 6:30 बजे के करीब 5-6 गोलियां मारी। गोली मार के उसको भाग गए। बाद में हमको पता चला कि शकरपुर जो रेड लाइट है वहाँ पे वो तीनों अजारे थे और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने पुलिस पे भी गोली चलाई लेकिन वो भाग गए। पुलिस तो कहते हमने एट द स्पॉट पकड़ लिया लेकिन वो कहते भाग गए। फिर बाद में पकड़े गए और जो दो तो पकड़ रखे उन्होंने, पुलिस यही कह रही कि हमने दो पकड़ रखे हैं और जो आवाज़ आ रही है कि छेनू गैंग के हैं और प्रिंस जो गीता कॉलोनी का है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। अब पुलिस पता नहीं क्या लापरवाही कर रही है। मेरी अभी भी SHO से बात हुई कर मैं मुजफ्फरनगर हूँ, रेड डाल रहा हूँ, लेकिन एक इतना बड़ा अपराधी और खुले हम गोली मारने के बाद भाग गया, पुलिस इतनी कमज़ोर है उसको अभी तक पकड़ नहीं सकी। और आज ये डॉक्टर भी पागल बना रहे थे जी ठीक है इम्प्रूवमेंट है ठीक हो जाएगा, बोल रहा है अभी इसकी BP हाई है ठीक हो जाएगा, आ गया है हम इसको ऑपरेशन करने वाले ठीक हो जाएगा। सब पेरेंट्स को सभी हमको आश्वासन देते रहे लेकिन आज 6:30-7 बजे लगभग कहते हैं उसकी डेथ होगी। रीजन भी नहीं बता रहे किस प्रकार से डेथ हुई, कहते जी कोई रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी है, कोई पेट में लगी है, कोई पैर के पास से आसपास से निकल गई। वो डॉक्टर ने भी कोई सही रिस्पांस नहीं दिया और नौजवान लड़का, उसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, 33-34 साल का लड़का, बहुत शरीफ लड़का, सारे गांव में उसकी तारीफ बड़ी तारीफ होती है। हम तो ये कह रहे हैं अगर आज शाम तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये जो प्रदर्शन है ये लंबा ही चलेगा और कुछ ना कुछ हम करेंगे। हाँ तो सर क्या वजह है, क्या कारण था गोली मारने का, कौन थे ये? अब ये गोली वो तो बदमाश है, क्यों कारण तो बदमाश है, उनका काम है लूटपाट करना। अब ये पैसे से भी ठीक है लड़का, बहुत शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है, ठीक है गुंजाइश हो सकता है इससे कुछ कोई डिमांड वमांड करी होगी। बताया जा रहा है कुछ बात निकल के आई थी कि एक साल पहले ये लोग घर पर भी घुस गए थे। एक साल पहले इसकी तो इसको उन्होंने लाइव दी थी, हम गुजरों को ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने प्रिंस ने कहते हैं उसमें लाइव चलाया मैं गुजरों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा सालों को मार दूंगा। बाद में उसने माफ़ी मांगी नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा इस जीतू को कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस को सारी इन्फॉर्म है, पुलिस को सबको पता है पुलिस को, लेकिन इतनी वजह क्या रही? अब वजह तो ये पता नहीं क्या, वो बदमाशी तो करते हैं, लूटपाट तो करते ही हैं, अब कुछ हो ही बदमाशी इसको तो अभी वो लड़के की तो डेथ होगी वो भी बताता क्या है क्या नहीं, लेकिन उसकी ऐसा लड़का है नहीं, वो बहुत शरीफ लड़का है, हमारे सारे गांव में बहुत शरीफ लड़का है। आपकी क्या मांग है पुलिस से? हमारी मांग है अगर उसको आज गिरफ्तार नहीं किया तो हम तो लंबा करेंगे। प्रिंस कहीं कहते मुजफ्फरनगर कहीं गया हुआ है, कहाँ गया, उसको पकड़ो, नहीं पकड़ेंगे तो फिर तो पब्लिक इस कानून को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा।